हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए बहुत बहुत यम्मी सा गोलगप्पे वाला पानी लाई हूँ। गोलगप्पे के लिए पानी कैसे बनाते हैं, ऐसा पानी आपने नहीं पिया होगा। ये देखिए, मैंने ये ऐसे एक मुट्ठी अच्छे से ये धनिया ले लिया है। ये करीब 35 ग्राम है और ये 15 ग्राम के करीब मैंने पुदीना के पत्ते ले लिए हैं, अच्छे से साफ कर लिया है। आधा इंच अदरक है, 2 हरी मिर्च है। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी हाफ कप से थोड़ी कम मैंने बूंदी ली है। और ये मैंने देखिए, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरा, जो मैं चटनी बनाती हूँ ना घर में इमली की, मैंने 1/4 कप वो चटनी ली है। ये देखिए, ये हमने एवरेस्ट का पानीपुरी मसाला, ये मैं आप दिखा दूँ, वैसे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ये डाला है पानीपुरी मसाला, ये हमने ले लिया है। और अब हमने लिया है काला नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून, हींग 2 पिंच, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। चाट मसाला लिया है 2 पिंच, हमने काली मिर्ची पाउडर ली है। तो इस तरह से हम ना ये सारे मसाले डालकर बनाएंगे। आप 1/4 टीस्पून के करीब चाट मसाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। हमने ये 1 लीटर पानी मेजरमेंट करके ले लिया है, इसी में से हम लेंगे और इनको अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए, हमने आइस क्यूब्स डालकर इसको पीस लिया है। और मैं ना इसको छान लूंगी यहाँ पे, ताकि क्या कुछ भी रेशे वगैरह ना जाएं। तो इसको हम छान लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और इसके छानने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह का ये निकल गया है, बस ये थोड़े से सीड्स हैं, हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है। ये पानी है नीचे, अब हम इसमें ना ये सारे सूखे मसाले जो हैं वो डाल देंगे। साथ ही में पानीपुरी मसाला प्लस ये जो चटनी मेरी बनाई हुई है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगी। ये देखिए, थिक वाली चटनी, ये हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, इतना यम्मी ये पानी बना है। मार्केट में आपको पता नहीं वो कलर डालते हैं, आप देखिए कितना सुंदर कलर इसका, नेचुरल कलर। और आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी तीखा आपको चाहिए तो 3 मिर्च डाल दीजिए आप यहाँ पर, उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पानी बहुत ही यम्मी बनकर तैयार है। आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ऊपर से डालेंगे अब हम थोड़ी बूंदी, तो लग रहा है ना यम्मी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ये यम्मी सा लगने वाला पानी जरूर बनाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।